मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई किताब प्रतिज्ञा का सार तत्व समाज में विधवा महिलाओं की दयनीय स्थिति के इर्द गिर्द ही घूमती है। इस कहानी के मुख्य पात्र अमृत राय, दाननाथ प्रेमा, पूर्णा, कमला प्रसाद और उनकी पत्नी सावित्री हैं। नमस्कार, मैं रुचि पांडे एक कहानी किताब से एक खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम आपको मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई किताब प्रतिज्ञा का सार बताएंगे। बनारस शहर में सभा का आयोजन किया जाता है। इसमें अमरनाथ विधवा महिला से विवाह करने के बारे में वहां उपस्थित श्रोता का मन टटोलता है। वे लोगों से पूछता है कि क्या कोई विधवा से शादी करने की हिम्मत रखता है। इसे सुनकर अमृत राय हामी भर देता है। ये देखकर उसके अभिन्न दोस्त दाननाथ उसकी खिल्ली उड़ाते हुए कहते हैं, उसने बिना सोचे समझे ही इस जटिल समस्या को सिर पर उठाने के लिए क्यों तैयार हो गया। इस पर अमृत राय कहता है कि सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ किसी न किसी को तो पहल करनी ही पड़ती है और कठिन निर्णय लेने की उसकी आदत है। अमृत राय सुखी संपन्न परिवार से नाता रखता है। अमृत राय की पत्नी का देहांत हो चुका है। प्रेमा का उसके प्रति झुकाव और प्यार शहर के सभी लोगों को मालूम है। इस फैसले के बाद प्रेमा समझ जाती है उसकी शादी जब अमृत राय से नहीं हो सकेगी, लेकिन उसके माता पिता इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। दाननाथ भी प्रेमा की सादगी पर फिदा है, लेकिन अपने दोस्त अमृत राय को नाराज नहीं करना चाहता है। पूर्णा साधारण परिवार से आती है। उसके पति गंगा में तैरते कमल के फूल को लाने के चक्कर में अच्छे तैराक होने के बावजूद डूब जाता है। उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद प्रेमा का भाई कमला प्रसाद पूर्णा के घर जाता है और उससे हमदर्दी जताते हुए उसे अपने घर पर रहने के लिए अनुरोध करता है। विधवा जीवन की कठिनाइयों को समझते हुए उसने ना करने के बाद भी उसके घर पर आकर रहने लगती है। कमला प्रसाद की पत्नी सावित्री धनवान परिवार की है, इसलिए वह पति पर काफी धौंस जमाती है। उसे पूर्णा का घर पर आना नागवार लगा। उसने पूर्णा को सचेत कर दिया कि उसके पति देर रात सिनेमा देखकर आता है। वे रंगीन मिजाज का आदमी है। कमला प्रसाद एक दिन दुकान से दो सिल्क की साड़ी लेकर आता है और एक अपनी पत्नी के लिए और दूसरा पूर्णा के लिए। वे पूर्णा को अपने मुंह पोश में फंसाना चाहता है, लेकिन पूर्णा पर इसका कोई असर नहीं होता। उधर दाननाथ की शादी प्रेमा के साथ हो जाती है, लेकिन वह अपने को उसके लायक नहीं समझता। वे शुरू से ही प्रेमा का अमृत राय के प्रति झुकाव को लेकर सशक्ति रहता है। इधर पूर्णा अपने भाग्य को कोसते हुए अब कमला प्रसाद के घर पर नहीं रहना चाहती। वह उसके मस्त मिजाज से पूरी तरह वाकिफ हो जाती है। वह कहती है कि वह अमृत राय के आश्रम पर जाना चाहती है। इस पर कमला प्रसाद उसे तांगा में बैठा कर उसे आश्रम पहुँचाने की बात कह अपने बगीचा लेकर चला जाता है। वहाँ वह उसके अस्मत लूटने का प्रयास करता है, लेकिन पूर्णा इसका प्रतिकार करते हुए उसे डंडे से पीटती है। इससे उसके दांत टूट जाते हैं और वह लहूलुहान हो जाता है। डॉक्टर से उपचार कराने के चलते पूरे शहर में ये बात आग की तरह फैल जाती है। पूर्णा एक बूढ़े की मदद से अमृत राय के आश्रम पहुंच जाती है। उधर दाननाथ को भी इस घटना की जानकारी मिल जाती है। इस कहानी में आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको पुस्तक जरूर पढ़नी चाहिए। अन्य साहित्यिक जानकारियों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए एक कहानी किताब से। धन्यवाद।